इट इज मॉर्निंग नॉट गुड आफ्टरनून. अभी सुबह है, अभी आफ्टरनून नहीं हुई है. आपका पीरियड रोज पड़ता था आफ्टरनून के बाद. ओके फाइन, चलो अभी उसका हैंगओवर रह गया ना. नाउ सी स्टूडेंट, वी आर कवरिंग द सिक्स्थ लेसन ऑफ ओके एंड वन लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट एज पर द न्यू बुक. जिन बच्चों के पास जो है लेटेस्ट बुक्स हैं ओके आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है कुछ बच्चे जो है दुकान में जाके बैठ के पढ़ते हैं और सबको डिस्टर्ब पूरे बाकी सबको डिस्टर्ब करके रख देते हैं. साहिब आलम अपने आप को म्यूट करो. हैव अ लुक चिल्ड्रन. ओके so let us try to understand what is social advertising. okay, ab jab social advertising kya hai, see social advertisements refer to advertisements made by the government or private agencies that have a larger message for society. okay, so what are social advertisements? social advertisements, jin bachcho ki purani kitabein hain beta ye likh lo agar aapke book mein nahi hai, theek hai na. to dekho ye kya hai. Social advertisements refer to advertisements, okay? It refers to advertisements made by the government. सरकार द्वारा ये बनाए जाते हैं. Made by the government, okay? Or private agencies that have a larger message. Okay, that have a larger message for society. तो ये जो social advertisements होते हैं, सामाजिक विज्ञापन हम कह सकते हैं, ठीक है ना. okay, इनको जो है सरकार बनवाती है, इनको जो है तैयार करने वाली जो है वो सरकार होती है या जो निजी कंपनियां होती हैं, ठीक है ना. निजी कंपनियां या निजी संगठन जो होते हैं वो इनको जो है वो इनको तैयार करते हैं. ओके, और इनका उद्देश्य यही होता है कि जो समाज के लोग हैं, ठीक है ना, जो समाज में रहने वाले लोग हैं उन तक जो है वो अपनी सूचना पहुंचा सके, उन तक वो अपनी जो है संदेश पहुंचा सके. अब आपके जिनके पास जो नई बुक है, ठीक है ना, उसमें आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जो है वो रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ा है. अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी, ठीक है ना. ये नॉर्दर्न रेलवे से रिलेटेड ये पिक्चर्स हैं और इसमें आप देख सकते हो कि अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर जो बच्चे बलिया से आते हैं, ठीक है ना, फेफना में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है. ओके, आपको याद होगा लास्ट ईयर जो है रेलवे क्रॉसिंग में जो है एक दुर्घटना घट गई थी. लास्ट ईयर रेलवे क्रॉसिंग के पास जो एक दुर्घटना घट गई थी. ओके, एक स्कूल बस जो है वहीं पे खड़ी थी, ठीक है. एक बाइक सवार वहां पे खड़ा था. अ पर्सन ऑन अ टू व्हीलर ही वाज ओके हॉल्टिंग आउट देयर एंड व्हाट हैपेंड, एक स्कूल बस पीछे से आई और उसने जो है उस बाइक सवार को धक्का दे दिया. ओके, अब उस बाइक सवार को जैसे ही धक्का लगा जो ऊपर yes, मैम, ठीक है ना, वो लोहे की जो छड़ जैसी रहती है वो ऊपर की तरफ उठी हुई थी, वो उसके सिर पे गिर गई. ओके, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट दैट पर्सन. ओके, द पर्सन हु वाज ड्राइविंग द टू व्हीलर ही डाइड ऑन द स्पॉट. ओके, एंड मेनी सच इंसिडेंट्स आर सीन, मेनी सच इंसिडेंट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द रेलवे क्रॉसिंग्स. इट इज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल, इट इज ऑल ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द जनरल पब्लिक. आम जनता अगर इस चीज को लेके सतर्क रहे, जब भी आप रेलवे क्रॉसिंग्स जो पुरानी बुक्स हैं उसमें भी दिया होगा, सोशल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इमेजेस होंगे, उसमें क्या कहा जाता है, आपसे ये कहा जाता है कि जब कभी आप रेलवे क्रॉसिंग के पास हैं, साहिब आलम आई एम गोइंग टू पुट यू इन द वेटिंग रूम, वेट. मैम रिवीजन नहीं होगा सीरीज का 3-4 का. हैव अ लुक चिल्ड्रन. ओके, नो
वहां पे जो रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं वहां पे हमें क्या कहा जाता है, हमें या हमें ये कहा जाता है लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट, लुक टुवर्ड्स द राइट, ओके एंड लुक टुवर्ड्स द फ्रंट पार्ट एंड देन यू मूव, ठीक है ना। आपको बाएं देखना चाहिए, दाएं देखना चाहिए और सामने की तरफ भी आपको देखना चाहिए कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, और उसके बाद आपको जो है क्रॉस करना चाहिए, इजंट इट, ओके। बट अक्सर हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि ये देखो ये बैरियर लगा हुआ है और इस बैरियर के नीचे से जो है बाइक सवार लोग जो है वो अपनी बाइक को टेढ़ी करते हैं और टेढ़ी करके जो है निकाल लेते हैं। एट टाइम्स उनके परिवार के लोग भी उनके साथ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी पत्नी होती है, ठीक है। और अचानक से ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ओके। ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जब तक आप समझेंगे तब तक जो है ओके एवरीथिंग इज ओवर, बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड द होल थिंग इज फिनिश्ड, ओके। सो दीज एडवर्टीजमेंट्स, अब ये सोशल एडवर्टीजमेंट्स में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओके। पोलियो से रिलेटेड, पोलियो से रिलेटेड है सी, टू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, ठीक है ना। मम्मी से तो पल्स पोलियो भी कहते हैं ना। जय आदित्य वर्मा, बहुत परेशान कर रहे हैं सब। आदित्य अनम्यूट योर म्यूट योरसेल्फ बेटा, खुद को म्यूट करिए। कृष्णांदु म्यूट करो खुद को, ओके। हैव अ लुक चिल्ड्रन, ठीक है ना। टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, दो बूंद जिंदगी की, ओके। और ये सरकार द्वारा जो है इस अभियान को चलाया गया था, एंड द ओके कैंपेन वाज पल्स पोलियो कैंपेन, ठीक है ना। हमारे देश में जो है पोलियो जो है ये एक बीमारी थी जो बच्चों को हो जाती थी, ठीक है ना। एंड ड्यू टू विच द चाइल्ड ही हैड टू लीड अ वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइल्ड वाज इनसाइड द मदर्स वूम, वैक्सीनेशन स्टार्टेड, ओके। एंड इट वाज द one of the healthy drives of the government of India through which this polio campaign was raised, okay. And aaj ke date mein hum dekhte hain ki 0% jo hain polio victims jo hain dikhai dete hain, okay. Take it, okay. ठीक है ना। तो ये देखो टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ जो है ये पल्स पोलियो कैंपेन के तहत किया गया, दो बूंद जिंदगी की। उसके बाद जो है परिवार नियोजन, ठीक है ना, परिवार नियोजन जो होता है उससे रिलेटेड जो है ये किया गया था, ओके। हम दो हमारे दो, ओके। ये भी जो है एक सरकार द्वारा जो है ये एड जो है तैयार की गई थी, सरकार ने इस एड को जो है वो तैयार किया था, ओके। और इसमें हम देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग को जो है प्रमोट किया गया था, ओके। After that, what we see other such campaigns, okay? देखो शिक्षा से संबंधित था, सब स्कूल चले हम, चलो स्कूल चले हम, ये था, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी जो है एक क्या है, ये भी एक जो है सोशल एडवर्टीजमेंट है, ठीक है ना। इट इज द कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। सो what we see that we have covered this chapter understanding media, and when we were covering this chapter we came across many okay important terms like, see now what is broadcast, broadcast se hum kya samajhte hain, what do you mean by broadcast, broadcast se hum kya samajhte hain beta, anybody, yes children, what do we mean by broadcast, ma'am? Broadcast matlab jo television aur radio par jo news pahunchayi jati hai. It is there in your glossary. See, it is used to refer. It is used to refer to a TV program, to a TV program. ठीक है ना। Broadcast से हम क्या समझते हैं? Radio broadcast हो गया, television broadcast हो गया, okay? TV और radio program, ठीक है ना?
प्रसारण जिसे हम कहते हैं, आकाशवाणी जो है अक्सर जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो प्रसारित करते रहती है उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ठीक है ना? यस मैम, प्रोग्राम के अगर रेडियो ना होगा, हाँ मैम प्रोग्राम के अगर रेडियो ना, टीवी और रेडियो yes, प्रोग्राम यस yes, बेटा थैंक यू। तो एक दिन तुम नहीं थे ना, ओके आपस में बात ना करो, क्लास से संबंधित जो बातें हैं खाली वही करो, थैंक यू बेटा। ओके दैट इज वाइडली ट्रांसमिटेड, दैट इज बीच में आप लोग बोल गए ना ये कर देते हो। अब मैं क्लास स्टार्ट की और बीच में मैडम बोल दी कि मैम रिविजन नहीं होगा, जो प्रीवियस क्लास है पहले उसको तो एंड हो जाने दीजिए। इट्स ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप, हैव अ लुक। सो व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट इज यूज्ड टू रेफर टू अ टीवी और अ रेडियो प्रोग्राम दैट इज वाइडली ट्रांसमिटेड, ठीक है ना? नेशनल चैनल पे आप देखते हैं, ओके उसके बाद फिर जो है आप देखते हैं कि विविध भारती का जो है प्रसारण होता है। अभी भी जो है बहुत सारे एरियाज में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे रेडियो का जो प्रसारण जब शुरू होता है, ठीक है ना, एक अजीब सी जो है उसकी म्यूजिक बजती है। ओके ये है आकाशवाणी केंद्र, ठीक है लखनऊ, ये आकाशवाणी केंद्र लुधियाना, ऐसे करके जो है वो स्टार्ट करते हैं। और चलिए आज के मुख्य समाचार, उसके बाद फिर जो है एक के बाद एक प्रोग्राम्स आते हैं। ओके फिर उसमें जो है इंटरव्यू भी होता है लोगों का, महान हस्तियों का, हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। ओके सो व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ टीवी और अ रेडियो प्रोग्राम दैट इज वाइडली ट्रांसमिटेड एंड इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ब्रॉडकास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ मास मीडिया, ठीक है ना? क्यों ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जो है ये पहुंचाया जा रहा है, ठीक है ना? ओके तो सो व्हाट वी सी इज दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ इफ यू हैव योर हिस्ट्री बुक काइंडली ओपन योर हिस्ट्री बुक, लेट मी रिवाइज यू। ओके लेट मी रिवाइज यू लेसन 3 and 4 ऑफ हिस्ट्री। ओके आई विल ट्राई टू सेंड यू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर बाय टुमारो, नॉट टुडे। ओके बिकॉज टुडे आई विल मेक प्रिपरेशन फॉर योर टेस्ट that is going to be conducted tomorrow and I hope you have got your revised timetable. Sare bachon ko mil gaya the revised timetable? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Ma'am test kab hoga? Tomorrow. Okay your test will be conducted tomorrow. Now if you have कौन कौन से लेसन का? लेसन 3 and 4 बेटा आपको बताए थे। मैम ये हाफ ईयरली के एग्जाम कब होगा? हमें कोई सूचना नहीं है बेटा, जैसे हमें सूचना आएगी आपको भी सूचित कर देंगे। मैम बहुत बार लेट हो गया है। लेसन 3 and 4 ऑफ हिस्ट्री। लिसन चिल्ड्रन, टेस्ट टुमारो, ठीक है ना? So these are the two lessons that you'll be revising for your revision test tomorrow, okay? And then we will proceed with lesson 7 of civics, ठीक है ना? Thursday से जो है आपका lesson 7 civics का मैं start करूँगी, markets around us, okay? Yes ma'am. सारे बच्चों के book में markets around us है कि understanding advertising है? Ma'am understanding advertising. मैम मार्केट अराउंड अस लेसन 8 है ना? मेरे में भी मार्केट अराउंड अस। एक सेकंड मैम अंडरस्टैंडिंग मैं बोल लूं मैम अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। शैल आई स्पीक? ओके यस मैम। ओके लेसन स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास न्यू बुक्स हैं, अभी मेरे पास दीक्षा की बुक है, ठीक है ना? तो दीक्षा के बुक में लेसन 7 जो है मार्केट्स अराउंड अस है, ये नई किताब है, ठीक है ना? ओके नई किताब है, लेकिन हम जो है अगर हम प्रोपोर्शन निकालें तो ज्यादा बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं, तो हम लेसन 7 जो है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग लेके चलेंगे बिकॉज दैट चैप्टर इज द कैरी फॉरवर्ड ऑफ मीडिया। लेसन 6 का मैम चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस है, चैप्टर 8 जो है आपका मार्केट्स अराउंड अस है, ठीक है ना? तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेंगे ऑन थर्सडे।
Now have a let us have a quick revision of the okay chapters. The Delhi Sultans. Okay, name the rulers who established the Sultanate. दिल्ली पे सबसे पहले शासन किसने स्टार्ट किया था? मैम तुमार तो अंगपाला मैम तुमराज मैम तुमराज अनंगपाला देखो अनंगपाला अनंगपाला ही इज द फर्स्ट रूलर ठीक है ना. इन्होंने ही जो है तोमर ये तोमर राजपूत थे और इन्होंने ही जो है सबसे पहला जो है शासन किया था दिल्ली के ऊपर ठीक है ना. ओके ही वाज द फर्स्ट. सी यहां पे देखो पेज नंबर 30 में है. यू कैन अंडरलाइन दिस पार्ट. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत ठीक है ना. ओके मिडिल ऑफ 12th यस मैम. या फिर जब आप टेबल पढ़ते हैं तो टेबल में आप देखते हैं सबसे पहले कौन है? अनंगपाल है ठीक है ना. 1130 से लेके 1145 तक. और तोमर राजपूत में सबसे आखिरी राजपूत कौन रहे राजपूत रूलर? इट इज पृथ्वीराज चौहान थर्ड चौहान ठीक है ना. ओके तो अनंगपाल जो है वो तोमर वंश की स्थापना करते हैं ठीक है ना. राजपूत डायनेस्टी की स्थापना करते हैं और उनमें जो है आखिरी शासक जो है पृथ्वीराज चौहान है. ओके और ये पृथ्वीराज चौहान जो है इनको कौन हराया था किस युद्ध में? हु डिफीटेड पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी इन विच बैटल? इन विच बैटल सी पृथ्वीराज चौहान was the last Rajput ruler. ठीक है ना? He was the last Rajput ruler of, ठीक है ना? And he was defeated by, he was Muhammad Ghori. Yes, he was defeated by Muhammad Ghori. ठीक है ना? कब उन्होंने हराया था इनको? मैम 1192. ओके ठीक है ना. इन द बैटल ऑफ विच बैटल किस युद्ध में हराया था उन्होंने? इन विच बैटल ही डिफीटेड मैम टेरेन मैम ट्रेंच. ओके बैटल ऑफ टेरेन. सी पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही वाज डिफीटेड. ओके पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ टेरेन बाय मोहम्मद गोरी. और 1191 में किसने हराया था मोहम्मद गोरी को? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान ओके ओके. और मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान से संबंधित एक कहानी बताई थी. ओके ठीक है ना. तो पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने जो है ओके उन्होंने लव मैरिज किया था. उनकी जो थी प्रेमिका उनका क्या नाम था बताओ जिनको वो भगा के ले गए थे? साहस के मामले में जो है पृथ्वीराज चौहान का कोई मुकाबला नहीं है. आपको मैंने जब ये क्लास पढ़ाया था चैप्टर पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था. Who is it? संयुक्ता नाम था उनका ठीक है ना. राजा जयचंद की बहन थी और राजा जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मनों में से एक थे. वो उनको नहीं पसंद करते थे ठीक है ना. तो पहले के समय में जो है स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया जाता था लड़कियों के विवाह के लिए स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया जाता था और जो उसमें जो है वर लोग आते थे ठीक है ना. और जिस किसी को जो है लड़की पसंद कर लेती थी उसके गले में वरमाला डाल देती थी. अब राजा जयचंद ने क्या किया था? राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उनको द्वारपाल के रूप में जो है उनकी मूर्ति बना दी थी और एकदम मुख्य द्वार पे जो है स्थापित कर दी थी ठीक है. तो संयुक्ता को तो पता था कि वो आएंगे. वो वरमाला लेके एक एक करके सारे उम्मीदवारों के पास गई और आखिरी में उन्होंने जो है वरमाला को जो है उस द्वारपाल को जो है पहना दिया जो कि पृथ्वीराज चौहान थे ठीक है ना. पृथ्वीराज चौहान उसके पीछे से प्रकट हुए उनको लिए और घोड़े पर बैठे और चल दिए ठीक है. सो दिस वाज द स्टोरी ओके. हर वक्त पढ़ाई नहीं करते हैं थोड़ा
ब्रेक भी चाहिए. ओके हैव अ लुक चिल्ड्रन. नाउ हु वाज महमूद ऑफ गजनी. हु वाज महमूद ऑफ गजनी. Who was Mahmud of Ghazni? क्या वो इन्वेडर थे या वो दिल्ली सुल्तान थे? Was he a Delhi Sultan or was he an invader? Tell me. Invader. मैं इन्वेडर. What he did? मैम. वो क्यों? मैम इन्वेडर. इतिहास में उनका नाम इतना okay मशहूर क्यों है? Why is he famous in history? As far as the okay Indian subcontinent is concerned, Mahmud of Ghazni, he belonged. Ma'am. Yes, bolo. Ma'am, Mahmud Ghazni in our 17 times attacked in our. Yes. Okay. He attacked 17 times. उन्होंने हमारे देश के ऊपर जो है 17 बार आक्रमण किया था और उनका ओके निशाना था रहता था जितनी बार भी उन्होंने आक्रमण किया था. ओके द टारगेट वाज द सोमनाथ टेंपल ऑफ गुजरात. ओके नाउ सी आपके पेज नंबर 30 में जो है ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ दिल्ली का जो है चित्र दिया गया. कैन यू टेल मी विच सिटी इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द फोर सिटीज. देखो जहांपना सीरी ओके दिल्ली कोना ठीक है ना. ओके देन तुगलकाबाद इज देयर फिरोजाबाद इज देयर आदिलाबाद इज देयर. ऑफ ऑल दीज सिटीज सबसे पुराना शहर कौन सा है दिल्ली का? जय दिल्ली कोना. जय व्हाट इज द आंसर मैम? जयपुना. मैम दिल्ली आई कोना. किस दिल्ली कोना? दिल्ली आई कोना. हु सेड दिस? मैम दिल्ली आई कोना. हु इज सेइंग दिल्ली कोना? रेज योर हैंड. लेट मी सी हु इज दिस. Raise your hand, Shruti. Yes, right. It is right. Delhi E Kohna is the one of the oldest cities. It is one of the oldest cities of Delhi. इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना? दिल्ली के जितने भी पुराने शहर हैं, उनमें दिल्ली E Kohna जो है, ये सबसे पुराना है. Was one of the oldest cities of Delhi. ठीक है ना? And what kind of coin was in circulation in Delhi? किस प्रकार के जो है सिक्कों का जो चलन था उस समय बताओ? दिल्ली वाल. Yes. Okay. दिल्ली वाल. हाँ, it was called दिल्ली वाल. ठीक है ना? दिल्ली वाल. Now tell me who founded the slave dynasty? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? मैम कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक. वफादार गुलाम थे मोहम्मद गोरी के. वफादार गुलाम थे मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया. ओके और हरा के जो है वो यहाँ पे नहीं रहे. उन्होंने यहाँ का जितना शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया और अपने देश को वापस चले गए. ठीक है ना? अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है एक वफादार गुलाम की तरह जो है अपने मालिक की जो है बात रखी और उन्होंने जो है गुलाम वंश की स्थापना की और उनके शासन काल को आगे लेके गए. ओके हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एज पर योर बुक? गुलाम वंश के आखिरी शासक कौन है? मैम गियासुद्दीन बलबन. गियासुद्दीन बलबन. इट इज गियासुद्दीन बलबन. Okay. Name the female. Yes, ma'am. Name the female sultan of the slave dynasty. Rajia Sultan. What was the time period? उन्होंने 4 साल तक शासन किया था. कब से कब तक? Ma'am, 1236 to 1240. Yes. It is 1236 to 1240. 4 साल तक ही शासन कर पाए. Okay. उनको गद्दी से क्यों हटा दिया गया? Ma'am, क्योंकि He was a woman. Okay. The nobles, they did not like a woman to be ruling them. Okay. So they conspired. Yes, so they conspired against her. And उनकी प्रजा को पसंद नहीं था जो ruling कर रहे हैं.
और इनको जो है इन इनको जो है तक से हटाने के पीछे एक और कारण था, ओके, शी इन हर लैटर इयर्स, ठीक है ना, अपने जीवन काल में जो है वो एक गुलाम के जो है संगत में आ गई थी, उनके साथ उनका जो है प्रेम प्रसंग चलने लगा था, उनका नाम याकूत था, ठीक है ना। इनके ऊपर मूवी बनी है रजिया सुल्ताना, पुरानी मूवीज अगर आप देखेंगे क्लासिक्स, तो उसमें हेमा मालिनी जो है रजिया सुल्ताना बनी है, और वो जो गुलाम जो है ओके धर्मेंद्र बने हैं, ठीक है ना। तो उस मूवी में ये दिखाया गया है कि शी हैड एन अफेयर विद दिस स्लेव एंड दिस वाज टेकन एज अ कॉज, इसको मुद्दा बना के उनको जो है तख्त से हटा दिया गया था, ओके। लेकिन वो अपने पिता की जो है एक बहुत ही सक्षम ओके संतानों में से एक थी, जिन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है शासन किया था गुलाम वंश को, ओके। Now, have a look, children. Who were the contemporaries? आपसे अगर पूछा जाए कि रजिया सुल्तान के contemporaries और कौन थे? दो और लेडी रूलर्स थी, दो और जो मैम दिद्दा, रुद्रमा देवी, यस दिद्दा फ्रॉम कश्मीर, हाँ दिद्दा फ्रॉम कश्मीर एंड रुद्रमा देवी, ओके, ठीक है ना। These two were the contemporaries. Contemporary हम उन लोगों को कहते हैं जो उसी समय काल में जो है दूसरी जगह पे शासन कर रहे होते हैं, जैसे कि कल केबीसी में पूछे थे लोग, ओके, केबीसी में पूछे थे लोग कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो महान, यस मैम उनके गुप्त मौर्य, हाँ उनके कंटेम्प्ररी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, सुरजीत सिंह बरनाला, यस, वो उसने जो है बेवकूफी किया, ओके, लेकिन वो कहते हैं ना जब क्या कहते हैं लक्ष्मी जी जब, ठीक है ना, चलो बच्चे केबीसी देख रहे हैं। नाउ सी व्हाट आर तारीख्स, व्हाट डू यू मीन बाय तारीख्स, तारीख से हम क्या समझते हैं? मैम दरबार में रहते हैं जो, मैम सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोर्ट्स एंड कोर्टियर्स, मैम तारीख्स वे लर्न्ड, मैम कुतुबुद्दीन ऐबक, अरे क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, हाँ तारीख्स क्या है, ये एक तरीके की जो है लिटररी वर्क है, ठीक है ना। तारीख्स जो है ये इतिहास से संबंधित जो है लिखित कार्य है। हैव अ लुक एट पेज नंबर 32 ऑल ऑफ यू, सी Although inscriptions, coins and architecture provided lot of information, specially valuable are histories. ये क्या है? इतिहास है। तारीख, सिंगुलर में इसको तारीख कहा जाता है और प्लूरल में इसको तारीख कहा जाता है। तारीख, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये इतिहास है एक प्रकार का। अगर आपसे पूछा जाए what do you mean by तारीख, you will tell it is a literary source, ठीक है ना, ये लिखित स्रोत है जो हमें इतिहास से संबंधित जानकारी देता है, ठीक है ना। Okay, what is the difference between a manuscript and an inscription? पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर क्या है? खास अंतर हम क्या कह सकते हैं? How can you differentiate a manuscript with that of an inscription? बताओ। Manuscript is written on parchment. Mam, सब लोग क्लासिक्स के चैप्टर का चीटिंग कर रहे हैं मैम। सब लोग क्लासिक्स की बुक कॉपी लेके बैठे हैं। अच्छा तो जाने मैम, कुछ तो लेके बैठे हैं मैम। एक बात बताऊं मैम, आकिफ सबकी वो मैम सबकी बुराइयां करने पर तुला रहता है। अच्छा कृष्णांशु, और तुम हो गया, लेके बैठे हो कि नहीं बताओ? अब हो गया, मैं बंद कर सबको म्यूट कर दूंगी एक ही बार में, रिवीजन भी बंद कर देंगे। Have a look, children. Okay, manuscripts are handwritten accounts. ठीक है ना? और इनको palm leaves पे और जो birch tree होते थे, उनके छालों पे लिखा जाता था, ठीक है ना? और जहाँ तक अभिलेख की बात होती है, inscriptions. Okay, inscriptions were written on hard surface. और उनको जो है hard surface. ठीक है ना? उनको engraved किया जाता था, उनको खुदाई कर के लिखा जाता था, ठीक है ना? Engraved form. Okay. ठोस वस्तु को लिया जाता था और उसपे खुदाई करके जो है इंस्क्राइब किया जाता था, ठीक है ना। एंड द थिंग्स दैट वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस वर रॉक्स, वुड एंड मेटल, ठीक है ना। इन तीन चीजों का प्रयोग किया जाता था इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए। ओके, नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन,
ये साइड में जो आपके हिस्ट्री के बुक में साइड में ये जो दिए गए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ राइट, यू शुड नो दिस. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट व्हेनेवर यू गो फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर. और आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं टेस्ट में, ठीक है ना. ओके, नाउ रुद्रमा देवी शी बिलोंग टू विच डायनेस्टी. What do you mean by hinterland? Hinterland से आप क्या समझते हो? What ma'am? Hinterland से हम क्या समझते हैं? बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को हम hinterland कह सकते हैं. बंदरगाह जो होते हैं, ओके, पोर्ट्स, ठीक है ना, उनके आसपास के हार्बर्स, उनके आसपास के क्षेत्र को हम हिंटरलैंड कह सकते हैं. कैन वी से देम? हैव अ लुक एट पेज नंबर 34. द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ हिंटरलैंड. एंड व्हाट डू यू मीन बाय गैरिसन टाउन? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स इज कॉल्ड अ गैरिसन टाउन. मोंगोल इन्वेशन वाज कंसर्न, ठीक है ना, मोंगलों के आक्रमण से अपने बचाव के लिए जो है इन दोनों ने अलग अलग नीतियों का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना. ओके, अब इन दोनों में among these two who was the best? किसने जो अलाउद्दीन खलजी. Why we consider अलाउद्दीन खलजी as best in comparison to मोहम्मद बिन तुगलक? Why we take him to be the best? Any idea? See, अलाउद्दीन खलजी भी कह सकते हैं, खिलजी भी कह सकते हैं, ठीक है ना. इन्होंने डिफेंसिव नीति अपनाई थी. ही अडॉप्टेड अ डिफेंसिव मेजर, ठीक है ना. लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? उन्होंने जो है अपनी सेना को तैयार किया था मंगोलों के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और ऐसे में उन्होंने बहुत सारा एक्सपेंस कर लिया था. ओके, उनका बहुत सारा जो है नुकसान हुआ था, ठीक है ना. और मंगोल्स को जो है अटैक करके उनको डिफीट करना, इट वॉज नॉट अ जोक, ठीक है ना, इट वॉज नॉट अ जोक. सो आफ्टर अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी ऑफ कम्बैटिंग द मंगोल्स, ओके, ही हैड टू स्टेप बैक. उनको जो है पीछे के तरफ मूव करना पड़ा, ओके, एंड इन डूइंग सो, ओके, ही हैड टू, ओके, इनकर हेवी लॉसेस. ही हैड टू इनकर हेवी लॉसेस, ठीक है ना. और इनकी नीति क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नहीं चाहते थे कि मंगोल्स के साथ जो है वो युद्ध करे, लेकिन वो युद्ध करे, हाँ, लेकिन उन्होंने जो है हर संभव कोशिश किया कि मंगोल्स जो है भारतवर्ष माने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो एंटर ना करें, वो जहाँ है वहीं रहे. तो उनकी जो है ओके आत्मरक्षक नीति थी, डिफेंसिव नीति, ठीक है ना, अपनी रक्षा करना, ओके, बिना सोचे समझे जो है युद्ध के क्षेत्र में चले नहीं जाना, ठीक है ना. और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? He is also known as the, मैंने आपको बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक he is also known as the wisest fool. ओके, उन्होंने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए थे जिसके वजह से उनको मूर्ख बादशाह की उपाधि भी दी जाती है. ओके, मूर्ख बादशाह की जो है उपाधि भी दी जाती है, और इसके पीछे उनकी नीति है, ठीक है ना. ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को जो है गैरिसन टाउन में कन्वर्ट कर दिया था, एक छावनी में तब्दील कर दिया था जहाँ पे सैनिकों की तैनाती थी. और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? उन्होंने अपनी राजधानी ही बदल दी. ओके, उन्होंने जो है अपनी राजधानी ही बदल दी, और ऐसे में क्या हुआ, बहुत जो है नुकसान हो रखा था, ठीक है ना. और जो मार्केट के जो प्राइसेस हैं उसको भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कंट्रोल वो नहीं कर पाए, ठीक है ना. ही कुडंट रेगुलेट द मार्केट प्राइसेस. एंड थर्ड ओके इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय मोहम्मद तुगलक वाज व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ अ करेंसी, पेपर करेंसी, ठीक है ना. ही इंट्रोड्यूस्ड अ करेंसी. ओके, देखो
देखो सॉरी टोकन करेंसी था ये, ठीक है ना, और ये चीप मेटल से बना हुआ था, चीप मेटल से बना हुआ था, और इसको आराम से जो है लोग क्या कर पा रहे थे, इसको आराम से जो है वो उसको पिघला के जो है दूसरे चीजों में तब्दील कर दे रहे थे, और वो अपने सोने चांदी अपने पास ही रख रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले जो है सोने चांदी के सिक्कों का चलन था, अब सोने और चांदी के सिक्के ज्यादा मूल्यवान होंगे और जो है मामूली धातु के सिक्के मूल्यवान होंगे, आप ही बताइए। मंगोल रूलर, ए मंगोल रूलर। ओके ओके, व्हाट इज हिज रिलेशन विद द मुगल्स, मुगलों के साथ उनका क्या संबंध है गेंगिस खान का? रिलेशन ऑफ मदर, माँ की तरफ से मुगल्स जो है मंगोल के वंशज हैं, isn't it? From the relations of the mother. हाँ, from the mother side. Yes, my mother side. And from the father side, Timur. Timur. Okay, we also say him Timur. Okay. Yes, ma'am. हाँ, so this is the lesson third. Okay, this is lesson third. Who invited Babur to defeat Ibrahim Lodi? ये सारे क्वेश्चन सेट करूंगी, ढूंढो तुम लोग आंसर कहाँ से ढूंढ रहे हो, ये सारे मैंने जो है पढ़ाते वक्त ये सारी चीजें जो है मैं पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताई हूँ, कंटेंट में भेजी हूँ, सब भूल गए हो आप लोग, सब कुछ नोट करके रखे हैं। चलो ये अच्छी बात है, वो तो आपके मार्क्स बताएंगे। 30 questions टुमारो आई विल फॉरवर्ड 30 questions रिलेटेड टू चैप्टर 3 and 4, not only 20, 30. Let me see how much you are able to attempt in the correct way. Ma'am, time kitna rahega? Ma'am, time kitna rahega? Thirty minutes. Time nahi badhne wala, time bas reduce hoga aapka. 30 questions or 30. It was Daulat Khan Lodi. It was Daulat. Yes, ma'am. हाँ, जब ma'am बोल देती हैं तब yes ma'am हो जाता है. Okay. It was Daulat Khan. Ma'am, question एक बार और बोल दीजिए. Who invited Babur to defeat Ibrahim Lodi? And in which battle was Ibrahim Lodi defeated? Panipat. At Panipat. Battle of Panipat. Okay. अब बताइए शाहजहां का बाबर के साथ क्या संबंध है? What is the relation? दादाजी कैसे हो जाएंगे बाबर? बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, मैम पर दादा, अकबर के शाहजहां, मैम ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, नो ग्रेट ग्रैंडफादर, ये मैं तो ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, एंड हु वाज द फादर ऑफ बाबर? बाबर के पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख। इट वाज उमर शेख।